नमस्ते फ्रेंड्स, आर एन टैरो में आपका स्वागत है। हर टैरो कार्ड की अपनी एक एनर्जी होती है, बहुत स्पेसिफिक और बहुत यूनिक। और जिस कार्ड की एनर्जी जो है आपको सबसे ज़्यादा टच करे, उसको आप समझिए कि वो कार्ड जो है आपकी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, वो आपकी लाइफ को कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहता है। आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो कार्ड है रोमांस का, लव का, इमोशंस का, सेंसिटिविटी का, क्रिएटिविटी का। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नाइट ऑफ कप्स की। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी स्पेशल कार्ड्स। कार्ड में जाने से पहले इसके कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। नाइट ऑफ कप्स के कीवर्ड्स होंगे रोमांस, चार्म, ब्यूटी, फीलिंग्स, फ्लर्टिंग, लव अफेयर, इमेजिनेशन, चार्मिंग, नाइट इन शाइनिंग आर्मर एंड सेंसिटिव। तो नाइट ऑफ कप्स का सबसे पहले पिक्टोरियल देख लेते हैं। नाइट अपने हॉर्स के ऊपर, एक वाइट हॉर्स के ऊपर बहुत ही स्लोली जो है वो हॉर्स को लेके आगे बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा सा कप उसके हाथ में है। पीछे हम देखते हैं देयर इज़ अ वैली एंड देयर इज़ अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग। सो अगर हम नाइट्स की कंपैरिजन करें नाइट ऑफ कप्स को बाकी के नाइट्स का, तो हम इस नाइट को बहुत ही लविंग पाते हैं, बहुत ही रोमांटिक पाते हैं। एंड He is very relaxed as compared to the other knights. So I should say that I should actually declare, you know, like this is one of the most romantic card of tarot deck. Agar aapki reading mein ye card aa raha hai to kahin na kahin wo aapko romantic ek feeling ki jo hai notification de raha hai. And agar aap iski body language ko dekhenge, बॉडी लैंग्वेज जो है अपने आप में बहुत ही एक, ही इज़ लाइक मोर लाइक अ जेंटलमैन। यू कैन ऑलमोस्ट कंपेयर हिम विद जॉर्ज क्लूनी, लाइक ही समवन हु इज़ लाइक ऑफरिंग हिज कप, समवन हु वुड बी वेरी अपीलिंग फॉर द अदर पर्सन। सो लाइक ही इज़ मोर लाइक अ जेंटलमैन, ही इज़ ऑफरिंग हिज कप, ही इज़ ऑफरिंग हिज इमोशंस, ही इज़ ऑफरिंग हिमसेल्फ टू द अदर। एंड अगर हम हॉर्स की मूवमेंट देखें तो बाकी के हॉर्सेस के साथ अगर इसको कंपेयर करें तो नाइट ऑफ कप्स का हॉर्स जो है इट्स लाइक मूविंग वेरी सॉफ्टली, स्लोली, यू नो, एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट, एंजॉयिंग द मूवमेंट, लाइक एज इफ यू नो लाइक द हॉर्स इज ऑल्सो इन रोमांस, यू नो। और जिस तरह से वो कप अपने हाथ में लेके चल रहा है, इट लुक्स लाइक यू नो लाइक ही इज ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ मैसेज। और क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स है तो मैसेज तो एक ही हो सकता है। मैसेज वो लेके आ रहा है लव का, इमोशंस का, क्रिएटिविटी का, इमेजिनेशंस का, जो कि उसके कप में है। और अगर हम सारे नाइट्स के साथ कंपेयर करें तो नाइट ऑफ कप्स जो है इट्स द मोस्ट फेमिनिन ऑफ ऑल द नाइट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही इज़ द सेम नाइट, यू नो, हु विल बिकम द किंग ऑफ कप्स, द सेम नाइट। और अगर हमने किंग ऑफ कप्स का, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, तो किंग ऑफ कप्स के अंदर जो है, जो राजा है, ही इज़ नॉट रियली हैप्पी बीइंग द किंग, ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस, ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज लव। ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव एंड सेंसिटिव काइंड ऑफ अ किंग, बट बिकॉज ही इज़ लाइक स्टक इन लाइक बीइंग अ किंग। एंड और किंग को जो है बहुत सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं, अपने राज्य को देखना पड़ता है, अपने ड्यूटीज़ को देखना पड़ता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखना पड़ता है। लेकिन नाइट ऑफ कप्स जो है, लाइक द वे ही वॉज, उस वक्त इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उस वक्त इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, कोई किसी तरह की जो है जिम्मेवारी नहीं दी गई थी। लेकिन द सेम नाइट ऑफ कप्स व्हेन इट बिकम्स द किंग ऑफ कप्स, देन द प्रॉब्लम अराइजेस। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के साथ अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि दैट ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, ही इज़ स्टिल लिविंग हिज लाइफ, ही इज़ मोर हैप्पी देन द किंग इफ़ यू एक्चुअली सी, बिकॉज ही इज़ लिविंग हिज लाइफ द वे ही वॉन्ट्स। और किंग ऑफ कप्स जो है वो अपने आप में ऐसा कार्ड है कि जो कि बताता है हमें कि एक ऐसा आदमी या फिर एक ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी जो अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। और नाइट ऑफ कप्स में भी यही है कि यू नो कि दिस इज़ द मोस्ट फेमिनिन कार्ड एंड ही इज़ मोर ऑन हर ऑन हिज फेमिनिन साइड एज कम्पेयर टू द मैस्कुलिन साइड। सो ही इज़ मोर क्रिएटिव, ही इज़ मोर इमेजिनेटिव, ही इज़ मोर रोमांटिक, ही इज़ मोर लविंग। सो दिस दैट इज़ व्हाट द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ कप्स इज़। नाइट ऑफ कप्स इज समवन हु इज़ रूल्ड बाय द हार्ट, नॉट बाय द माइंड। इसके जो भी डिसीजन वो लेता है मोस्टली, वो इसके मोस्टली जो है इसके हार्ट और इमोशन से आते हैं। और जो बाकी के जो डिसीजन हैं, और
और इसका जो माइंड है वो बीच में इंटरफेयर नहीं कर पाता, इसका जो लॉजिकल माइंड है इट्स नॉट लाइक इंटरफेयरिंग इन बिटवीन. सो वॉट इज़ हैपनिंग हेयर इज़ दैट ही इज़ अ नाइट ऑफ इमोशंस एंड सेंसिटिविटी, और जिसकी वजह से जो इसके डिसीजंस हैं, जो इसकी जिस तरह से ये अपनी लाइफ को जी रहा है, इट्स मोर ऑन द इमोशन साइड, जिसकी वजह से इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जो है नाता जो है टूटा हुआ है. ही इज़ लेस प्रैक्टिकल एज कम्पेयर टू द अदर नाइट्स, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट यू नीड द लॉजिक ऑल्सो एंड यू नीड द इमोशंस ऑल्सो टुगेदर. वॉट मेक्स अ मैन कम्प्लीट इज द लॉजिक एंड द इमोशन टुगेदर. दोनों कहीं ना कहीं पर चाहिए, दोनों ही विंग्स चाहिए ताकि जो है आप अपनी जर्नी जो है अच्छे से उसको तय कर पाएँ. अगर सिर्फ आपके पास एक विंग होगा तो आप ऑफकोर्स आप कहीं ना कहीं उड़ भी पाएंगे, लेकिन वो उड़ान में वो बात नहीं होगी जब जो बात जो है दो विंग्स के साथ आती है. सो ऑफकोर्स देर आर मैनी पीपल हु आर एबल टू फ्लाई जस्ट विद वन विंग एंड, बट आप इमेजिन करिए नेचर ने आपको जो है ये दोनों विंग्स दिए हैं, आपको लॉजिक भी दिया है और आपको इमोशन भी दिया है. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विल मेक यू मोर इंटेलिजेंट, मोर पावरफुल एंड ब्रिंग यू मोर विजडम इन योर लाइफ. तो जब नाइट ऑफ कप्स आपकी रीडिंग में आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि एक तरह का इमोशनल मैसेज आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर सम काइंड ऑफ रोमांटिक काइंड ऑफ इंडल्जेंस इज इन्वॉल्व, और यू आर एक्चुअली मीटिंग समवन विद हुम देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ लव. दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज विच नाइट ऑफ कप्स ब्रिंग्स टू यू. जो पीछे जो इसके जो स्ट्रीम बह रही है, it just shows that there is a flow that he is able to express his love like very easily. There is no constraint, there is like a flow which is happening, which is very positive. The Knight of Cups can also represent wisdom that comes from dreams and it can guide you if you are stuck. Jab bhi ye card aa raha hai iska ye matlab hua ki Knight of Cups kyunki it's more connected with love and emotions, so if something a kind of a message is coming, it is coming from your deep unconscious, from your emotional being, so from your deep state of dreaming. To iske sath is night ke sath ek hi problem hai ki you know like he might be too much involved with the love and emotions and romanticism in his life, you know, like too much on the emotional level, and because of this ye jo hai practicality se jo hai kahin na kahin dur ho sakta hai. Iski baat maine thodi der pehle bhi aapse kari thi. And to make him complete what we'll need is a combination of sword or wand or pentacles with it. agar hum career ke point of view se baat kare to ye it could means a new creative project, or it could also mean you know like you want to start something which you like, or you are already doing something which you love. Agar hum personality ki baat kare to this personality can be very complex and he is highly emotional, passionate, creative, sensitive, and of course he has the qualities of being flirtatious, and he's also very attractive. Agar ye card aapko romance ke liye aata hai to that means it's a very positive sign which is showing that romance is actually coming to your life, or you have met someone with which a journey of love can start. To aap bhi mujhse agree karenge ki Knight of Cups jo hai is the most romantic card of the tarot. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको मैं मिलूँगा अपनी नई वीडियो में. तब तक के लिए बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, नमस्ते.